गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी मैं जा रहा हूँ कालीबाड़ी मंदिर और आप लोगों को बताता हूँ कि इसका निर्माण कब हुआ था और कालीबाड़ी से पहले इसका नाम क्या था। तो चलते हैं यहीं से सीधे कालीबाड़ी मंदिर की ओर। पहले यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ था जो इसे ठीक कर दिया गया। अभी 8 की जगह पहले 5 लिखा हुआ था। 1823 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था और उस टाइम इसको श्यामला माता का मंदिर कहा जाता था और जिसके नाम से ये शिमला का नाम भी पड़ा। उस टाइम श्यामला के नाम से जाना जाता था यहाँ के शिमला को भी। आस्ते आस्ते चेंज होते होते इसका नाम शिमला पड़ गया। तो इसी माता के नाम से ये श्यामला माता के नाम से ये मंदिर स्थापित हुआ था जो काली के रूप में। और 1845 में नाम कालीबाड़ी के नाम से जाना जाने लगा इसको। ये दिवाली वाले दिन, दुर्गा पूजा वाले दिन काफ़ी लंबी स्टॉल्स यहाँ लगी होती हैं। यहाँ पर पूरा मेला सा होता है इस वक्त और नवरात्र में भी काफ़ी रौनक रहती है यहाँ पे। और चलो आपको मैं अंदर से दिखाता हूँ और इसके हिस्ट्री बताता हूँ मैं कालीबाड़ी मंदिर का आपको। और ये यहाँ पर प्रसाद के स्टॉल्स लगे हुए थे। सबसे पहले तो यहाँ आपको जूता उतारना पड़ेगा। और इस कालीबाड़ी का मैं इतिहास बताता हूँ कि आपको ये 1823 में स्थापित किया गया था। और जब ये मंदिर बना तो उस टाइम पर यहाँ पर काली माँ के जो रूप हैं श्यामला माता जी, उनका मूर्ति स्थापित किया गया था उस वक्त, जो अभी भी है। और उसके बाद 1845 में रामचरण ब्रह्मचारी जो बंगाली सज्जन हैं उन्होंने इसका नाम कालीबाड़ी रख दिया था। तब से कालीबाड़ी मंदिर के नाम से जाना जाता है। और ये श्यामला देवी की मूर्ति जो है काली माँ का ही रूप है। और यहाँ पर ये इसकी देखभाल जो करते हैं ये कालीबाड़ी मंदिर के ही ट्रस्ट करती है इसको, और इसमें ज़्यादातर बंगाली सदस्य ही हैं। आप देख सकते हैं मंदिर का पूरा प्रांगण मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ से व्यूज़ भी बहुत प्यारा ही आता है। यहाँ से देख सकते हैं यहाँ का व्यू आप। और मंदिर के साथ में आपको डाइनिंग हॉल, कैंटीन, टी कैंटीन वगैरह है। और साथ में नीचे हॉल है जहाँ पर दुर्गा पूजा की स्थापना होती है दिवाली के टाइम पर, और बाकी टाइम पर हॉल बुकिंग में होती हैं। और यहीं पर रूम रहने के लिए भी हैं जो आप किराए पे ले सकते हैं जो बाहर से आते हैं। जय माँ श्यामला देवी, जय माँ काली माँ। जय सबके देवाधिक हनुमान। यहाँ से साइड का दरवाजा है। जय माँ काली। तो माँ श्यामला देवी, माँ काली माँ का मंदिर और कालीबाड़ी मंदिर इसको कहा जाता है। उससे पहले श्यामला देवी मंदिर, श्यामला माता मंदिर के नाम से जाना जाता था। तो 1845 के बाद
जो है रामचरण ब्रह्मचारी द्वारा इसका नाम कालीबाड़ी मंदिर रख दिया गया था, तो तब से इसे कालीबाड़ी मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो अभी बाहर चलते हैं यहाँ से और आपको मैं बाहर दिखाता हूँ। इसके नज़दीक ग्रैंड होटल है जो 50 मीटर की दूरी है यहाँ से। तो ग्रैंड होटल में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट के होने चाहिए, वो रूम बुक करा सकते हैं। तो मंदिर के आसपास ही मंदिर के सामान, पूजा के सामान, बच्चों के खिलौने टाइप यहाँ बेचे जाते हैं। और यहीं सामने आपके गोलगप्पे के स्टॉल्स वगैरह भी लगते हैं। और वहीं से ही आपका ग्रैंड होटल का गेट भी है आगे से। ये ग्रैंड होटल का जो मेन एंट्रेंस जो हुआ करता था, अभी नीचे से आपको साइड से सीढ़ियों से आपको ऊपर चढ़ना पड़ता है, फिर सिक्योरिटी चेक करके फिर आपको अंदर रिसेप्शन से बुक करानी पड़ती है। तो रिसेप्शन में आपको अपने आधार या आइडेंटिटी कार्ड वगैरह देने पड़ते हैं, उसके बिना आप बुक नहीं करा सकते। और ग्रैंड होटल का भी कुछ कार्य चल ही रहा है, इसमें कुछ निर्माण वगैरह भी चल रहा है। तो गेट दूसरी साइड से कर दिया गया जहाँ पर आपको सीढ़ियों से चढ़ना पड़ेगा, और वहीं से आपको सिक्योरिटी चेक करके आपको अपने रिसेप्शन में आईडी कार्ड वगैरह अपना दिखाना पड़ेगा। और अगर आप रजिस्टर्ड ई संपदा से आप रजिस्टर करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, तो आप उससे भी बुक करा सकते हैं। और बाकी आपको मैं दिखाता हूँ, इसके बगल में एक पुरानी बिल्डिंग हुआ करती थी जो अब टूट कर इसको रिनोवेशन कर दिया गया है, सही से बना दिया गया इसे। तो यहाँ पर कभी एक मूवी की इसमें शूटिंग हुई थी, मेरे को जहाँ तक याद है वो विद्या बालन की फिल्म हुआ करती थी वो, तो यहाँ पर शूटिंग हुई थी इस वाली बिल्डिंग में। अभी तो इसको रिनोवेशन हो चुकी है इसकी, तो इसी बिल्डिंग में हुई थी, यहाँ पर विद्या बालन की एक मूवी शूट हुई थी यहाँ पे। और सामने ही आपका पोस्ट ऑफिस वगैरह यहीं है, सब कुछ नज़दीक ही है यहाँ से, क्योंकि अंग्रेज़ टाइम के में ये आसपास ही सारा कुछ रखा गया था। और ये जो है आपका जो बिल्डिंग है 1829 में इसका निर्माण हुआ था ग्रैंड होटल का। देख सकते हैं आप यहाँ से पूरा शिमला का व्यू, और ऊपर आपको जाखू मंदिर का जो है बजरंगबली जी की मूर्ति आपको नज़र आ रही होगी, जाखू मंदिर के, जय बजरंगबली। तो यहीं से थोड़ा सा आगे जाके स्कैंडल पॉइंट, रिज मैदान, सारा मॉल रोड वगैरह यहीं पर ही है आगे, उससे आगे लक्कड़ बाजार, और नीचे ही डीसी ऑफिस है यहीं पर ही। तो सब कुछ नज़दीक ही है यहाँ से। और निर्माण की वजह से ये सारे टीन लगा रखे हैं। ये ग्रैंड होटल जो है इसका निर्माण मैंने जैसे कि आपको बताया कि 1829 में हुआ था। और ग्रैंड होटल तो ये बाद में बना, पर बाद से पहले जो है ये गवर्नर जनरल का बेंटिक कौसल का निर्माण था, निर्माण किया गया था इसमें। उसके बाद ये कई प्रतिष्ठित व्यक्ति जो अंग्रेज़ों के टाइम पे थे तो उनका आवश्यक स्थल भी रहा। फिर उसके बाद 1850 से 1887 तक ये शिमला बैंक के अधिकार में था। और उसके बाद ये जो है न्यू क्लब के द्वारा 35,000 रुपये में उस टाइम ख़रीदा गया था। और फिर उसके जो इसने पुराने यूनाइटेड सर्विस क्लब को गंभीर प्रतिद्वंदिता दी। और फिर वाइसरीगल कन्फेक्शनरीज सेवालय पैलेट के द्वारा 1892 में 2,00,000 रुपये में इसे ख़रीदा गया था। ने इसे बहुत ही विख्यात, शिमला का सबसे बड़ा विख्यात होटल बनाया इसको।
और उसके बाद ये उस टाइम का सबसे आरामदायक होटलों में से माना जाने लगा, सबसे बढ़िया होटलों में से। ग्रैंड होटल का मेन एंट्रेंस बंद होने की वजह से अभी ग्रैंड होटल में जाने का रास्ता ये बना दिया गया है, जो यहाँ सामने सिक्योरिटी ऑफिस, फिर अंदर से जाते रिसेप्शन में आपको जाना पड़ता है। ये है रास्ता आपका, ये देख रहे हैं यहाँ से जो मेन एंट्रेंस वहाँ बंद है अभी ये रिपेयरिंग की वजह से, तो यहाँ पर आपका एंट्रेंस यहाँ पर से आपको ऊपर जाना पड़ेगा यहाँ। और ये सामने आपका कालीबाड़ी मंदिर है, और कालीबाड़ी मंदिर में त्योहारों के टाइम में काफ़ी रौनक रहती है। यहाँ पर कलकत्ता से काफ़ी लोग आते हैं, यहाँ पर रूम बुक करा लेते हैं अपना, यहीं पर सारे रूम आप देख सकते हैं। तो रहने की भी सुविधा यहाँ पर है, और कैंटीन भी यहीं पर ही अंदर ही है मंदिर के ही। यहाँ नवरात्रों में और दुर्गा पूजा के टाइम में काफ़ी रौनक रहती है ये जगह पर। और चलते हैं यहाँ से, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे। तो ये है शिमला रेलवे स्टेशन, चलो आपको स्टेशन के अंदर ले चलता हूँ मैं। और यहाँ से जो कालका की जो ट्रेन आपकी जाती है वो 10:35 से 6:45 तक की गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं, और फेयर भी जो है 65 रुपये से लेकर 800 रुपये तक के फेयर हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ आके बुक करा सकते हैं कालका तक के लिए जाने के लिए। और यहाँ से नैरो गेज की ट्रेन जाती है कालका तक, और कालका से शिमला तक भी आती है। तो आप अगर जो है शिमला आते हैं तो जिनको बस में परेशानी होती है तो वो टॉय ट्रेन का मज़ा लेके आ सकते हैं, और पूरा एंजॉय करते हुए सीनरियाँ देखते हुए भी आ सकते हैं मज़े से। बेशक इसमें 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं, पर ट्रेन में आने का मज़ा ही अलग है। तो ये शिमला टॉय ट्रेन का जो लाइन जो जा रही है, और ये सामने टॉय ट्रेन खड़ी है ये, और एक रेल कार खड़ी है यहाँ पे। रेल कार का फेयर ज़्यादा है इसका, और टॉय ट्रेन का आप 65 रुपये से शुरू हो जाता है, जिसमें आपको सीटिंग लेनी है या बर्थ लेनी है उस हिसाब से आपके फेयर लगेंगे। और ये एक ट्रेन यहाँ भी खड़ी है इस वक्त। तो ये है शिमला रेलवे स्टेशन, तो शिमला आने के लिए बहुत अच्छी सुविधा। और आपको यहाँ पर टूरिस्ट जितने भी एंजॉय करना चाहते हैं, आप पूरी वादियों को निहारना चाहते हैं, तो ट्रेन से ही आए तो ज़्यादा बढ़िया है। बेशक 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं, पर आप पूरा एंजॉय करते हुए आ सकते हैं इसमें। अब बस में तो काफ़ी परेशानियाँ भी होती हैं, कई लोगों को चक्कर आते हैं, वॉमिटिंग होती है, और सीनरी देखने तो दूर की बात है, लोग बैठने में भी परेशानियाँ होती हैं उसमें। ना तो टॉयलेट बाथरूम जाने को ज़्यादा उसमें होता है, वॉल्वो के अलावा किसी में नहीं होता। तो ये जो जगह है आप देख सकते हैं, ये है शिमला रेलवे स्टेशन, और ये अपनी टॉय ट्रेन ये जो खड़ी है इस वक्त। तो चलें यहाँ से भी, और आप लोग को मैंने जैसे कि अभी दिखाया कि आप लोग यहाँ से आते हैं तो शिमला उतरने के बाद आप अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो ग्रैंड होटल बुक करा सकते हैं, सस्ते में आपको रूम मिल जाता है। पर यह है कि आप जो बुक करा रहे हैं तो उस इंसान को भी साथ में आना चाहिए, अगर वो साथ में नहीं है तो फिर उसका फेयर ज़्यादा लगता है, तो इसलिए बुक कराने वाले बंदे को साथ में होना चाहिए। ये नहीं कि आपने किसी रिलेटिव से या किसी दोस्त से बुक करा लिया और वो साथ में नहीं आए तो आपको फिर सपोज़ करो अगर 300-400 रुपये की अगर आपको किराया लगता है, रूम फेयर लग रही है, तो वो आपको लगभग 700-800 रुपये का पड़ेगा। ग्रैंड होटल में बुकिंग के टाइम पर बुक कराने वाला होना ज़रूरी है। तो और वहीं पर आपको काली मंदिर, फिर स्कैंडल पॉइंट, मॉल रोड, रिजी वगैरह, जाखू मंदिर, सब कुछ नज़दीक पड़ जाता है, लक्कड़ बाज़ार सब कुछ।